यौन उत्पीड़न के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम के सहयोगों को बरी कर दिया गया और इसके खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर हाईकोर्ट जस्टिस पीके लोहरा की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने तकनीकी कमियों को दूर करने के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने 2 सप्ताह का समय दिया। गौरतलब है कि आसाराम के सहयोगी शिवा और प्रकाश को SC/ST Act के तहत तत्कालीन जज मधुसूदन शर्मा ने संदेह का लाभ देते हुए 25 अप्रैल 2018 को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार की ओर से हाईकोर्ट में अपील पेश की गई थी। आज माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधिपति श्री पीके लोहरा साहब की अदालत में आसाराम प्रकरण से संबंधित प्रकाश, जो आसाराम का तथा उस वक्त का रसोईया था, तथा शिवा, जो मुख्य रूप से आसाराम के सारे कार्य देखता था, उनके विरुद्ध जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से अपील पेश की गई थी, जो दोनों अभियुक्त गणों को बरी कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध राज्य सरकार की ओर से ये अपील पेश की गई थी, जिस पर आज माननीय न्यायाधिपति श्री पी के लोहरा साहब की अदालत में सुनवाई की गई, जिस पर धारा 5 का जो डिले था 8 दिन का, उसका प्रार्थना पत्र पेश पूर्व में किया जा चुका था। आज कुछ जो तकनीकल रूप से कमियां रह गई थी उसके लिए 2 वीक का समय लिया गया है, जिस पर 2 सप्ताह के अंदर उन्हें पूर्ण कर दिया जाएगा। तत्पश्चात पुनः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई हेतु सुनवाई के लिए। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।